मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर प्रदेश में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कमलनाथ सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर नजर आएंगे, वहीं गृह मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा मुंह चलाने की बजाय सरकार चलाने का काम करे। देखो, कमलनाथ जी के नेतृत्व पर लगातार उंगली उठ रही है। इसके पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह जी उठा चुके, उसके पहले ब्रजभूषण जी जो प्रवक्ता थे वो उठा चुके, सुरेश शर्मा उठा चुके, अब जंडेल बाबू आ गए। कमलनाथ जी का नेतृत्व मैं तब भी कहता था, आप लोग नहीं मानते थे कि ये फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। आप देख रहे हो क्या, अब तो वो जब मिलेंगे आपको ट्विटर पे पेपर पे ही मिलेंगे, या मध्य प्रदेश में मासिक अभी रहेंगे, फिर तिमाही हो जाएंगे, उसके बाद छमाही आया करेंगे वो। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे उंगली उठना स्वाभाविक है, बहुत जल्दी एक हाथ पर छूटेगा फिर बाकी के। कि मुझे लगता है गृह मंत्री सिर्फ बयानों में नजर आने के अलावा कुछ फील्ड पे काम करें। मध्य प्रदेश के अंदर क्या कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है, रोज रेप के केस, रोज लूट के केस, और खुद मंत्री के घर के अंदर चोरी 74 बंगले में हो रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, गृह मंत्री मुंह चलाने की जगह थोड़ा सरकार चलाने पे काम करे और कहीं ना कहीं मुंह चलाना बंद करके कैसे कानून व्यवस्था सुधरे, कैसे लोगों को हम न्याय दिला पाए, कैसे पुलिस व्यवस्था सुधरे, उसके ऊपर काम करे तो ज्यादा बेहतर। बीजेपी के जो हमारे गृह मंत्री है सिर्फ बीजेपी के एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में काम करेंगे उस दिन ज्यादा ठीक लगेगा। ये गलत फहमियां पालना की डूबता जहाज और ये वो सब दौड़ निकलते हैं, सब अच्छे बुरे दौर सबके आते हैं। इनके भी दो सीटों पर पार्टी थी, उससे ठीक पहुंची, और कांग्रेस तो अभी बहुत बेहतर स्थिति में, घबराए नहीं, फिर समय का चक्र फिरेगा और जब जो कहां स्थिति में रहेंगे और इस गलत फहमी को पालना भूल जाए कि डूबता जहाज है, जहाज बहुत बड़ा जहाज है और अभी चलेगा और चलते हुए दिखेगा। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई थी और खरीदे हुए जनादेश की जो इन्होंने सरकार बनाई उस पर टास कर रहे हैं। कुछ दिन बाद इनका घमंड चूर।